स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक वितान का पाठ आलो आंधारी का भाग 10 और अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने देखा कैसे बेबी के जीवन में बार बार परिवर्तन आते हैं, कैसे परिवर्तन होते रहते हैं, उसी के साथ जब उसके बाबा उससे मिलकर जाते हैं और वो अपने जीवन में लिखने पढ़ने को देखकर, जो उसकी माँ की बहुत अच्छी बहुत ज़्यादा इच्छा थी उस समय, तो उसको कैसे अब वो साकार कर रही है, जीवन के इस पढ़ाव पर लिखने पढ़ने का शौक पूरा कर रही है, वो सब बातों को याद करके वो अपनी माँ को याद करती है और उसकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं। आगे देखिए क्या होता है। गिलास में चाय कप की ठंडी हो चुकी थी तभी बेबी के कानों में किसी के पैरों की आहट पहुंची और वह चौंक पड़ी। उसने घूमकर देखा, अर्जुंदा उठ चुका था, नीचे आ रहा था। उतरते उतरते ये बोला, तुम लोग चाय पी रहे हो, मेरी चाय कहाँ है? और चाय बनाने किचन में जाने लगी तभी देखा कि किसी ने गेट पर आकर बेल बजाई। उसने जाकर देखा कि पड़ोस का लड़का हाथ में एक पैकेट लिए खड़ा है। वह उससे बोला, यह तुम लोगों का है, डाकिया भूल से हमारे यहाँ डाल गया था। उस लड़के से पैकेट ले उसने आकर तातुस को दे दिया। तातुस ने देखकर कहा, यह तो तुम्हारा है, यह लो जाकर देखो इसमें क्या है। पैकेट लेकर वह किचन में गई, अर्जुंदा की चाय का पानी चढ़ाकर उसने पैकेट खोला। पैकेट में एक पत्रिका थी, वह उसे पलटने लगी। उसमें एक जगह उसने अपना नाम देखा, आश्चर्य से देखा, सचमुच ही उसमें लिखा था आलो आंधारी बेबी हालदार। खुशी से उसका मन हिलोरे मारने लगा। मन की ऐसी उथल पुथल में थी कि जेठू की वह बात याद आ गई थी कि आशा पूर्णा देवी दिन भर के काम निपटा कर उस समय लिखने पढ़ने बैठती थी जब सब लोग सो चुके थे। उसने सोचा जेठू ठीक ही करते थे कि घर के काम करते हुए भी लिखना पढ़ना हो सकता है। हठात उसकी नज़र चाय के लिए चढ़ाए गए पानी पर पड़ी जो उबलते उबलते काफ़ी कम रह गया था। उसने जल्दी जल्दी चाय बनाकर अर्जुंदा को दी तब वह नीचे से ही देखो देखो एक चीज़ बोलती बोलती ऊपर अपने बच्चों के पास पहुंची। दोनों बच्चे दौड़कर उसके पास आ गए। उन्होंने उनसे कहा, बताओ तो यह क्या है लिखा है? उसकी लड़की ने एक एक करके सभी अक्षर पढ़ बोली, बेबी हालदार, माँ तुम्हारा नाम किताब में है। दोनों बच्चे हंसने लगे। उन्हें हंसता देखकर उसका मन खुशी से और भी भर गया। उसने प्यार से अपने पास उनको खींच लिया और उन्हें प्यार करते करते हठात जैसे उसे कुछ याद आ पड़ा हो वो बच्चों से छोड़ो 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 मैं अभी आती हूँ कहकर उठ खड़ी हुई। नीचे आते आते उसने सोचा कि वह कितनी बुद्धू है, पत्रिका में अपना नाम देखकर सब कुछ भूल गई। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरकर तातूस के पास आई, उनके पैर छूके प्रणाम किया। उन्होंने उसके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रख दिया। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से बेबी के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं और उसकी जो अंतिम परिश्रम था उसके जीवन का किताब लिखने का वो किस तरह से पूर्ण होता है। तो इस पाठ में हमने देखा कि बेबी हालदार जो कि एक वास्तव में एक लेखिका न होते हुए भी एक साधारण महिला थी और अपने जीवन को उसके लिखने पढ़ने के शौक को उन्होंने कम पढ़ लिखी होने के बाद भी तातूस उसके मिले प्रोत्साहन के साथ, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि तातूस का प्रोत्साहन अगर नहीं मिलता तो बेबी शायद ये नहीं कर पाती। लेकिन साथ ही उससे बड़ी बात यह है कि प्रोत्साहन मिलने पर भी व्यक्ति का खुद की तरफ से मेहनत करने का साहस होना चाहिए। अगर व्यक्ति अपनी तरफ से कुछ साहस कर सके तो जीवन में बहुत सी चीज़ों को कर सकता है, ऐसी चीज़ों को हासिल कर सकता है जो उसने पहले ना करी हो, जो उसका स्वप्न हो सिर्फ। लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि समय बीत गया है या अब ये समय नहीं है, अब ये हम नहीं कर सकते हैं, ऐसे कोई भी प्रकार के बंधन नहीं होते हैं। जिस प्रकार से बेबी ने अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से निकलते हुए भी एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका के रूप में अपनी छाप जो छोड़ी है और आज भी वो एक कर्मचारी के रूप में दूसरी जगहों पर काम करती है और लिखने का कार्य करती रहती है, उनकी एकमात्र बुक है आलो आंधारी। लेकिन ये बुक लिखकर भी उसने अपने शौक को पूरा किया है और उसकी माँ के सपने को पूरा किया है, स्वयं के सपने को पूरा किया है और खुद को समाज के सामने साबित किया है कि महिलाएं अगर इतनी विकट परिस्थितियों में से भी अगर होकर गुजरती है और वो अगर कुछ करना चाहें तो वह कर सकती है। ये समाज में उन महिलाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में है जो महिलाएं समाज में ऐसी परिस्थितियों में अपना आपा खो देती है या अपनी सारी उम्मीदों को खो देती है कि अब कुछ नहीं हो सकता मुझसे। वे महिलाओं के लिए एक शिक्षा है कि उन्हें कभी भी आशा और उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने जीवन में वो जो करना चाहती है वो सब उन्हें निरंतर करते रहना चाहिए। तो अवश्य उन्हें भी एक दिन बेबी की तरह, बेबी हालदार की तरह उपलब्धि जरूर प्राप्त होगी। आशा है पूरा पाठ आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके पूरे 10 भाग हैं, आप इसको आराम से 10 भागों को देखें एक साथ। पूरी कहानी बहुत ही रोचक दी गई है। धन्यवाद।